नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नवरात्रि 2023 गिरिडीह शहर में दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त महोदय साथ ही साथ गिरिडीह के एसपी सभी पंडाल का लिया जाएगा। सभी दुर्गा पूजा समितियों से की बातचीत और दिए गए निर्देश। जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है सारी तैयारियां। सभी बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई है। सभी अपने अभिभावकों और अपने बच्चों पर रखें ध्यान, क्योंकि आज माता रानी का पाठ खुलने वाला है। जिला प्रशासन की साफ सफाई हमारे सदर विधायक सुदीप कुमार सोनो भी साथ साथ में दौरा किया। देखिए अजय चौरसिया की रिपोर्ट। पंडाल का उद्घाटन हुआ। अब पंडाल के पर माँ पिता के लिए दर्शन के लिए सारी कमेटी के लोगों से बात कर ली है और हमें उम्मीद है कि यह दशहरा बहुत अच्छे से गुजरे। लोग बड़े शांति से और बड़े चैन के साथ उत्सव का त्यौहार आनंद में भौतिक रूप से पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं और डीसी सर और मेरे द्वारा अभी तक कई पंडालों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने यह देखने की कोशिश की है कि जो जिला स्तरीय विधि व्यवस्था से संबंधित दुर्गा पूजा के अवसर पर बैठक हुई थी, उसमें कई सारे निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। उन निर्देशों का अनुपालन संचालकों के द्वारा किया गया है, नहीं किया गया है, ऐसे फिजिकली हम लोग देख करके भी कई जगह पर मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली है और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सभी जगहों पर लगभग कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं, सभी स्थानों पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जा रहे हैं। और एक निर्देश स्पेशली दिया गया था कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था हो। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पंडाल का भौतिक निरीक्षण किया है उसमें सभी जगह पर व्यवस्था की जा रही है और हमारे तरफ से पर्याप्त पुलिस बल की और महिला बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट की गई है। और लगभग हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जब तक पूरी शांतिपूर्वक ढंग से इस दुर्गा पूजा नवरात्रा का समापन एवं विसर्जन नहीं हो जाता है, पूरी गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और हमारे सारे पदाधिकारी भ्रमणशील रहेंगे और जिनकी स्टैटिक ड्यूटी है वो स्टैटिक रूप से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और किसी भी अप्रिय स्थिति में कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो हमारा सभी से अनुरोध है कि जिला प्रशासन को अविलंब इसको अवगत कराएं और हमारा कंट्रोल रूम नंबर है जो हम लोग जारी कर चुके हैं उस नंबर पर अवश्य खबर करें और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से आप सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहे। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।